हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट के सेक्शन में, यानी वेव ऑप्टिक्स के सेक्शन में फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वेव फ्रंट एंड हाइगन प्रिंसिपल। लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेव फ्रंट। अ वेवलेट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि वेवलेट ग्रुप ऑफ वेव फ्रंट्स जो है वो डिस्टर्बेंस है, एक तरह का मीडियम में डिस्टर्बेंस है। वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और वेवलेट्स हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। अगर हम लोग वेव फ्रंट की बात करें तो किसी भी मीडियम में वो ग्रुप ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर इन सेम फेज वेव फ्रंट कहलाते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे, और वेव फ्रंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो रे कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ देखें, ये पॉइंट ग्रीन वाला, ये है आपका सोर्स, और उसके साथ ये जो पिंक कलर का डॉटेड डॉटेड सर्कुलर पार्ट है, ये आपका हो गया वेव फ्रंट। इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, और यह है पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट होता है। दूसरा है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और ये लीनियर सोर्स से डेवलप होता है। अगर हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करें तो कुछ आइडिया इसका हम लोग ले सकते हैं ऑनियन से, प्याज से। जैसे प्याज के ऊपर लेयर्स होते हैं, तो लेयर्स को हम लोग वेव फ्रंट कह सकते हैं। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करें तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो केले का जो पेड़ होता है उससे भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसका एक लेयर हटाओ तो उसी के जैसा एक और लेयर होता है उसके नीचे, उसी के जैसा फिर एक और लेयर होता है, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का वो एक एग्जांपल हो सकता है। प्लेन वेव फ्रंट, जब सोर्स से कोई वेव फ्रंट बहुत ज़्यादा दूर चला जाए, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चला जाए, तो वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट की तरह नज़र आने लगता है, और ऐसे वेव फ्रंट्स को हम लोग प्लेन वेव फ्रंट्स कहते हैं। जैसे अगर किसी पॉइंट से ओरिजिनेट होकर वेव फ्रंट धरती के इतना बड़ा वेव फ्रंट बना दे और फिर उसको हम लोग ऑब्जर्व करें, तो हमें वो एक दीवार की तरह नज़र आई, और हम लोग उसे प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। पिंक डॉट वेवलेट्स को बतलाते हैं, ब्लू इनवेलप ऑफ वेव फ्रंट बता रहे हैं, और रेड लाइन रे बता रहे हैं। हाइगन कंस्ट्रक्शन और हाइगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और इस पॉइंट सोर्स से रेज निकल रहे हैं, तो इन रेज से बनने वाली वो सारे डिस्टर्बेंस, यानी कि लोकस, लोकस मतलब ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, इस तरीके से इससे जो पॉइंट्स हैं वो भी एक तरह से सोर्स की तरह बिहेव कर रही हैं, और ये आगे जाके वेव फ्रंट्स को डेवलप कर रही हैं, तो इसी को सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बोलते हैं। न्यू वेव फ्रंट्स, अभी स्फेरिकल है, पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल ही होगा, आगे की ओर प्रोपगेट कर रहा है, और अगर ये काफी डिस्टेंस तक चला जाए तो ये बिहेव करेगा प्लेन वेव फ्रंट की तरह। तो वेवलेट्स जो है रेड डॉट से दिख रहे हैं। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, वो एक सेकेंडरी सोर्स के लिए सोर्स का काम करता है। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम, यानी कि वेवलेट्स के जो कलेक्शन होंगे पॉइंट्स के, यानी लोकस होंगे, वो हमेशा नए वेव फ्रंट्स की तरह बिहेव करेंगे। बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड,
क्योंकि प्रेशर की वजह से और रेडिएशन प्रेशर की वजह से लाइट बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल करती। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस बाय यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। मान लेते हैं एक्स वाई एक प्लेन सरफेस है, मिरर मान लेते हैं, और ये इंसिडेंट रेज टकरा के रिफ्लेक्ट होती हैं। मान लेते हैं ए बी एक वेव फ्रंट है और रिफ्लेक्ट होके ये सी डी बनाते हैं। एन एन हो गया नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई आर आर ये हो गए पॉइंट्स। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर लाइट की स्पीड सी हो और टाइम टी हो तो हम लोग इस फोटो में देखें, इफ सी बी द स्पीड ऑफ लाइट एंड टी बी द टाइम टेकन बाय द लाइट टू गो फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, और बी से सी पर जाने में टाइम लगता है टी, एंड ए टू डी और डी टू ई और ई टू जी थ्रू एफ, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी ई एफ प्लस सी, सॉरी ई एफ बट्टा सी प्लस एफ जी बट्टा सी, और टाइम टाइम को लिख सकते हैं हम लोग ए एफ साइन आई बाई सी प्लस एफ सी साइन आर बाई सी। इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो ए सी साइन आर प्लस ए एफ साइन आई माइनस साइन आर। तो रे ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट द वैल्यू ऑफ ए एफ आर डिफरेंट, बट लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट शुड टेक द सेम टाइम टू रीच द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पॉइंट है वहाँ से लाइट ट्रेवल कर रहा है तो अपने करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट्स पे पहुँचने में उसको हमेशा सेम टाइम लगना चाहिए। सो टी शुड नॉट डिपेंड ऑन ए एफ, दिस इज पॉसिबल ओनली साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर साइन आई is equal to sin r or I is equal to r. This is the law of reflection. Now, laws of refraction at plane surface by Huygens principle. मान लेते हैं एक्स वाई एक इंटरफेस मीडिया है, ऊपर रेयरर नीचे डेंसर। रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट c, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। लाइट इंटरफेस पे आ रही है और रिफ्रैक्शन हो रहा है। ए बी नॉर्मल वेव फ्रंट, डी सी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, एन एन नॉर्मल इंसिडेंट एंगल आई, I रिफ्रैक्टेड एंगल R। अब अगर ध्यान से देखें ए बी इजक्ल टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी इजक्ल टू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर लाइट की स्पीड c है तो टाइम पीरियड ई एफ बाई सी प्लस एफ जी बाई वी, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा ए एफ आई ए एफ साइन थीटा बाई सी प्लस एफ सी साइन आर बाई वी। तो टोटल टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू ए सी साइन आर बाई वी प्लस एफ साइन आई बाई सी माइनस साइन आई साइन आर बाई वी। फॉर रे ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट द वैल्यू ऑफ ए एफ आर डिफरेंट, बट from the different point of the incident wavefront should take same point to reach the corresponding point on the refracted wavefront। यानी कि
किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट से जो लाइट ट्रेवल करेगा वो अपने करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट के पॉइंट तक पहुंचने में सेम टाइम लेगा, चाहे बी से सी पर आने में हो, चाहे ए से डी पर आने में हो, चाहे ई से जी पर आने में हो, इनका टाइम पीरियड सेम होगा। सो टी शुड नॉट डिपेंड अपॉन ए एफ, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ साइन आई बाई सी माइनस साइन आर बाई वी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये तभी होगा जब साइन आई बाई सी इज इक्वल टू साइन आर बाई वी और साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू सी बाई वी, दैट इज म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इन कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस एंड प्रिज्म। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट और सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अगर प्रिज्म से बात करें तो ये लाइट है, ए बी हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट और सी डी हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आइए प्रिज्म का ऑब्लिक सेक्शन देखें, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया ब्लू और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट और सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कोहरेंट सोर्सेस से लाइट आ रही है तो मोनोक्रोमेटिक होंगी। कोहरेंट सोर्स कैन बी प्रोड्यूस बाय टू मेथड्स, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स जो कि अगले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और दूसरा है बाय फ्रेनल्स, बाय प्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। सेकेंड पॉइंट है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो कि माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।